सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कमल का फूल वर्ग में कैसे बनाते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होता है। एंड गाइस, ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछ भी चुका है, तो आप केयरफुली वॉच कीजिएगा एंड पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप पूरा देखेंगे तो काफ़ी हद तक बनाना सीख जाएंगे एंड उसको पेंट भी करना आप सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर वर्ग बनाना स्टार्ट किया है, तो यहाँ मैं 50 सेंटीमीटर का वर्ग बना रहा हूँ। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो गाइस, फाइनली हमारा वर्ग बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर फूल बनाऊंगा। तो फूल को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ से तना से स्टार्ट किया है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो। तो चलिए इसके तना को पहले बना लेते हैं। तो यहाँ मैं काफ़ी स्टेप बाई स्टेप आपको सिखाऊँगा, बस आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा एंड सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर भी एक तना बना लेते हैं। इसके बाद गाइस, आपको एक अंदाज़ा लगा लेनी है कि आपको यहाँ पे एक फूल बनानी है एंड यहाँ पे आपको एक पत्ती बनानी है और यहाँ पे भी आपको एक पत्ती बनानी है। तो आप कुछ इस प्रकार से अंदाज़ा लगा लीजिएगा, उसके बाद बनाएंगे तो आपको काफ़ी आसानी से बनाना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर 3 डॉट लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिलाऊँगा, तो चलिए इसको मिला लेते हैं। तो गाइस, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करनी है, तभी आपको अच्छी तरह से सीखना आएगा और पेंटिंग भी करना आ जाएगा। तो चलिए इसको बना लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, एक बीच से लाइन खींचनी कुछ ऐसे एंड यहीं से आपको स्टार्ट करना है फिर से। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो गाइस, अगर आपको आर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछनी हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेंटिंग वगैरह, ब्रश नंबर वगैरह या पेंसिल वगैरह कुछ भी पूछना हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। इसके बाद गाइस, आप चाहें तो नीचे से भी एक एक पंखुड़ियाँ बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसको भी। तो गाइस, फिलहाल जो मैं फूल बना रहा हूँ वो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ भी चुका है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए एंड सीखने की कोशिश कीजिए, शायद इस साल भी पूछ ले। तो वीडियो को पूरा देखिए एंड सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। इसके बाद गाइस, आपको ऊपर से सेम लाइन खींचनी है ऐसे ही एंड यहाँ पर आपको छोटी छोटी लिप्स वगैरह बना देनी है। अब गाइस, मैं तने को डार्क कर रहा हूँ, तो चलिए इसको भी डार्क कर लेते हैं। यहाँ पे गाइस, एक पत्तियाँ बना रहा हूँ, तो आपको भी कुछ ऐसे ही बनानी है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो भाई, अगर आपको कमल का फूल बनाना नहीं आता हो तो इस वीडियो को 2 से 4 बार देखिए एंड सीखने की कोशिश कीजिए, आप काफ़ी जल्द ही कमल का फूल बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं पेंटिंग के लिए देख रहे हैं कैमल का पेंट यूज़ कर रहा हूँ, एक्रिलिक कलर जो है कैमल का, वही मैं यूज़ करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो गाइस, पेंटिंग के लिए मैंने यहाँ पर 3 ब्रश का यूज़ किया है, जिसमें से एक 6 नंबर का ब्रश है एंड एक है 1 नंबर का ब्रश एंड 1 2 नंबर का ब्रश है। तो चलिए इसको पेंटिंग की स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको केयरफुली वॉच करनी है एंड सीखने की कोशिश करनी है कैसे पेंट होता है, तो आप काफ़ी हद तक सीख जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं काफ़ी इजी वे से पेंटिंग करना स्टार्ट करूँगा। तो चलिए पेंटिंग को भी कर लेते हैं। तो यहाँ मैं आउटलाइन के अंदर ही पेंटिंग करूँगा। तो चलिए इसको अच्छी तरह से पेंटिंग कर लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं कुछ समय बाद। तो गाइस, मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको आर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछनी हो, ब्रश का नंबर वगैरह जो भी पूछना हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए इसको पेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस, मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर दिया हूँ, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट कर दिया हूँ। देन गाइस, मैंने यहाँ पे
ग्रीन पेंट का यूज़ किया है, साथ में येलो पेंट का यूज़ किया है पत्तियों को पेंट करने के लिए। तो आपको कुछ इस प्रकार से ट्रिक का यूज़ करना है जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो, तो ऐसे ही आपको भी पेंटिंग करना है। तो चलिए इसको अच्छी तरह से पेंट कर लेते हैं। तो गाइस अगर आपको पेंटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आता है तो आप वीडियो को पूरा देखिए एंड सीखने की कोशिश कीजिए कैसे कैसे यहाँ पे पेंटिंग हो रही है। तो चलिए इसको पेंट कर लेते हैं। तो गाइस अगर आपकी पेंटिंग फर्स्ट लेयर में अच्छी नहीं दिख रही है तो आपको सेकेंड लेयर लगानी है। तो यहाँ मैं भी सेकेंड लेयर लगाऊंगा। तो देखिए मैं भी सेकेंड लेयर लगा रहा हूँ पेंटिंग की, जिससे काफ़ी स्मूथ दिखेगा। तो चलिए इसको अच्छी तरह से पेंट कर लेते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने कॉर्नर पर थोड़ा सा येलो पेंट लिया है एंड टोटल ब्रश में ग्रीन पेंट लिया है। तो गाइस आपको भी कुछ इसी प्रकार से पेंटिंग करनी है, अगर आपको इस तरह से पेंटिंग करनी नहीं आती हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से एक सेकेंड वीडियो जो लाऊँगा इससे भी ईजी लाऊँगा जिससे आप अच्छी तरह से पेंटिंग करना सीख जाएंगे। एंड गाइस अगर आप इसको अच्छी तरह से बना लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा नंबर पाएंगे। तो चलिए लिप्स वगैरह को इसको भी अच्छी तरह से पेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं दो पेंटिंग का यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉर्नर पर येलो पेंट लिया है एंड पूरे ब्रश में ग्रीन पेंट का यूज़ किया हूँ। तो आपको भी कुछ ऐसे ही केयरफुली वॉच करनी है एंड इसको सीखने की कोशिश करनी है, तभी आप अच्छी तरह से पेंटिंग करना सीख पाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए एंड सीखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आगे के पार्ट को भी पेंट कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस हमारा कमल का फुल पेंट होकर तैयार चुका है। अब गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ एडिटिंग वगैरह कर लेता हूँ ताकि नेचुरलिटी इसमें दिखे। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो बस आपको वीडियो को पूरा देखनी है एंड सीखने की कोशिश करनी है। अगर मैं जिस तरह बना रहा हूँ अगर आप उस तरह बना लेंगे बोर्ड एग्जाम में तो आप काफ़ी अच्छा नंबर पाएंगे। तो चलिए इसको अच्छी तरह से बना लेते हैं। सो गाइस बैकग्राउंड को पेंट करने के लिए यहाँ मैंने ब्लैक पेंट का यूज़ किया है। तो आपको भी कुछ इसी प्रकार से यूज करनी है एंड जो मैं बैकग्राउंड को पेंट करूँगा जिसमें मैं येलो पेंट का यूज करूँगा। तो चलिए इसको अच्छी तरह से पेंटिंग वगैरह कर लेते हैं। तो गाइस बैकग्राउंड को पेंट करने के लिए यहाँ मैंने येलो पेंट का यूज किया है। तो चलिए इसको भी अच्छी तरह से पेंट कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा कमल का फूल बनकर तैयार चुका है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड गाइस पहली बार चैनल पर हमारे आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।